नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि झा और रेड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेड नेटवर्क के पॉलिटिकल किस्से की इस खास सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंजाब की सियासत की रक्त रंजित कहानी। वो राजनीति जिसकी वजह से 80 के दशक में पूरा पंजाब जल उठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरा देश इसकी आग से झुलसने लगा था। हम बताने जा रहे हैं कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। तो बस चलते रहिए हमारे साथ। पंजाब की सियासत समझने से पहले हम समझते हैं इसकी बनावट को। पंजाब फारसी के शब्दों पंज आब से बना है। पंज का मतलब है पांच और आब का मतलब है पानी। इसका शाब्दिक अर्थ है पांच नदियों का मिलन। ये पांच नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। 1947 में भारत के विभाजन के बाद चिनाब और झेलम नदियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चली गईं। सितंबर 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने सिखों की मांग को स्वीकार करते हुए पंजाब को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार तीन भागों में बांट दिया। पंजाब का दक्षिण भाग जहां हरियाणवी बोली जाती थी हरियाणा बन गया, जहां पहाड़ी बोली जाती थी उस भाग को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। चंडीगढ़ को छोड़कर एक नए पंजाबी बहुल राज्य का गठन किया गया, यानी 1966 तक पंजाब 68.7% हिंदुओं के साथ एक हिंदू बहुमत राज्य था। लेकिन इस साल भाषाई आधार पर विभाजन के दौरान हिंदू बहुल जिलों को राज्य से हटा दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर इसे पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की राजधानी बना दिया गया। 1977 में आम चुनाव में हार के साथ ही पंजाब सूबे में भी इंदिरा गांधी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल की सरकार सत्ता में आई। इस हार से निजात पाने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर ही पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में उथल पुथल मचा के रख दी। उस शख्स का नाम बताने से पहले हम आपको बता दें कि पंजाब में जरनैल सिंह, करनैल सिंह और मेजर सिंह जैसे नाम बेहद ही आम है और इसके पीछे की वजह भी बेहद ही दिलचस्प है। दरअसल सेना के अधिकारियों के पदों से प्रभावित पिता अपने बेटे के नाम के आगे इस तरह के विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी ये किंवदंती है कि आर्मी में भर्ती के लिए पंजाब सबसे उपजाऊ जमीन माना जाता है। लेकिन यहाँ हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उस पर इस तरह के नाम बिल्कुल भी सूट नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना कि अपवाद की गुंजाइश तो हर जगह होती है। ये एक अजीब इत्तेफाक ही है कि जिस शख्स को 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद का जन्मदाता माना जाता था उसके पिता ने उसका नाम जरनैल सिंह रखा था। अपने 7 बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम जरनैल सिंह रखने वाले जोगिंदर सिंह को ये कहां पता था कि उसका बेटा सेना में नाम रोशन करने की बजाय आतंकवाद का जनक कहलाएगा। दरअसल पंजाब के मोगा जिले रोडे गांव का रहने वाला जोगिंदर सिंह एक मामूली किसान था। 1947 में जन्मे जरनैल सिंह के पिता की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हाल थी कि वह सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई कर पाया था। सन 1965 में जोगिंदर सिंह ने अपने छोटे बेटे जरनैल सिंह को भिंडराव गांव के संत गुरबचन सिंह खालसा को सौंप दिया। संत गुरबचन सिंह खालसा गांव के धार्मिक केंद्र दमदमी टकसाल चलाते थे। दमदमी टकसाल ने सिखों के 10 गुरुओं में अंतिम गुरु गोविंद सिंह जुड़े होने के कारण धार्मिक प्रतिष्ठा प्राप्त की हुई थी। टकसाल से जुड़ने के साल भर बाद ही जरनैल सिंह का प्रीतम कौर से विवाह हो गया, जिससे उनके 2 बेटे हुए। कहते हैं जरनैल सिंह बेहद ही तीक्ष्ण बुद्धि और कुशाग्र स्मरण शक्ति का मालिक था। पढ़ाई पूरी नहीं करने के कारण उसने टकसाल में सिखों के धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वह सिर्फ उपदेश देते वक्त ही नहीं बल्कि आम बातचीत के दौरान भी लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब से उदाहरण देता और समझाता। इससे लोग उससे प्रभावित होने लगे थे। इसे नियति कहें या संयोग, इसी बीच संत गुरबचन सिंह का स्थान संत करतार सिंह ने ले लिया। लेकिन 3 अगस्त 1977 को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद जरनैल सिंह को दमदमी टकसाल का प्रमुख चुन लिया गया और इस तरह जरनैल सिंह संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले बन गया।
दरअसल जरनैल सिंह के नाम के साथ भिंडरांवाले तब जुड़ा जब महज 30 साल की उम्र में सिख धर्म और ग्रंथों के बारे में शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुन लिया गया। कहते हैं जिस वक्त भिंडरांवाले को दमदमी टकसाल का प्रमुख चुना जा रहा था, उस वक्त वहां पंजाब के दो बड़े नेता भी मौजूद थे, जिनमें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोहड़ा भी शामिल थे। दमदमी टकसाल का प्रमुख बनते ही जरनैल सिंह से बने संत जरनैल भिंडरांवाले का ये नया अवतार गांव-गांव घूमकर सिख धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। वो युवाओं को क्रांतिकारी खालसा पंथ की ओर लौटने को प्रेरित करने लगा। वह गुरु गोविंद सिंह का हवाला देकर लोगों को शास्त्र धारण करने का उपदेश देने लगा, जिसके तहत वह सिख समुदाय के युवाओं को कृपाण की जगह आधुनिक हथियार रखने के लिए उकसाने लगा। अब तक अपने इस आचरण से वह युवाओं और सिख समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। जरनैल सिंह अब तक इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि राजनीतिक पार्टियां उसके आगे पीछे घूमने लगी थी। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान कांग्रेस नेता ज्ञानी जैल सिंह ने उसके सामर्थ्य का फायदा उठाने की कोशिश की। वो पंजाब में कांग्रेस के नेता थे और सोचते थे कि भिंडरांवाले के समर्थन से पंजाब के गुरुद्वारों को अकालियों की पकड़ से मुक्त कराया जा सकता है। इस बीच अकाली दल का आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने सिखों की मांगों का ब्यौरा देते हुए एक प्रस्ताव पास किया, जिसके तहत अप्रत्यक्ष रूप से खालिस्तान की मांग की गई। इन मांगों के तहत चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब की राजधानी बनाना, पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को दिए गए पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पुनः पंजाब में मिलाने के लिए राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन करना, पंजाब के इलाकों से गुजरने वाली नदियों के पानी का ज्यादा हिस्सा पंजाब को दिए जाने की भी मांग की गई। इन मांगों के साथ साथ अकालियों ने पंजाब राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता की भी मांग रखी। प्रस्ताव का सबसे विवादास्पद हिस्सा यह था कि सीमाओं के पुनर्गठन से पंजाब की सिख जनसंख्या अल्पसंख्यक बन जाएगी, लेकिन फिर भी सरकार से इस बात के लिए साफ साफ बयान मांगा गया कि नवनिर्मित राज्यों में सिखों की आवाज ही सर्वोपरि होगी। दरअसल सिख गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित केवल 10 गुरुओं पर ही विश्वास रखते हैं, जबकि निरंकारी लोग अनेक गुरुओं को मानते हैं। जीवित गुरु में आस्था रखने के साथ साथ उनके अपने दो धर्म ग्रंथ भी हैं। नवंबर 1973 में SGPC ने एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करके निरंकारियों को अपना धर्म छोड़ भागने वाले लोग घोषित कर दिया। ये फैसला कट्टर सिखों और निरंकारियों के बीच मतभेद का प्रमुख कारण बन गया। फिर वक्त आया सूबे की फिजा बदलने का। 13 अप्रैल 1978 को जरनैल सिंह भिंडरांवाले के समर्थकों और निरंकारियों के बीच हुए खूनी बैसाखी मुठभेड़ से पंजाब की पूरी राजनीतिक फिजा ही बदल गई। दरअसल इस दिन निरंकारियों की सभा की तरफ जाते भिंडरांवाले के समर्थकों के बड़े जुलूस पर गोली चलाई गई, जिसमें भिंडरांवाले के 13 समर्थक मारे गए। उन्हीं में से एक फौजा सिंह भी था, जिसकी विधवा अमरजीत कौर बाद में खाड़कुओं की एक बड़ी नेता बनी। कत्ल के इल्जाम लगे निरंकारियों को इस बिना पर छोड़ दिया गया कि गोली उन्होंने आत्मरक्षा में चलाई थी। उसके बाद से तो निरंकारियों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के विरुद्ध ताबड़तोड़ हिंसक घटनाएं होती रही। 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी समुदाय के प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की दिल्ली में हत्या कर दी गई। इसके बाद तो राज्य में हिंसा और प्रतिहिंसा का सिलसिला ही चल पड़ा। इसका एक ही साधन इन्हें सूझता था और वह यह कि सिखों को हिंदुओं से अलग किया जाए तथा बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार से हिंदू खेतीहर मजदूरों को पंजाब में आने से रोका जाए। अखंड कीर्तनी जत्थों और सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने अकालियों के साथ गठबंधन कर लिया और दोनों ने मिलकर अपनी शिकायतों की धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक आधार पर एक सामान्य सूची तैयार की। एक तरफ अकाली सिखों की मांगों का प्रपत्र बनाकर प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत संत हरचंद सिंह लौंगोवाल, जीएस तोहरा और
प्रकाश सिंह बादल जैसे मध्यमार्गी अकाली नेताओं ने हरियाणा के साथ सीमाओं में समायोजन कर चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने और नदियों के पानी का नए सिरे से बंटवारे का मुद्दा उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपे जाने की मांग की। उधर कट्टरपंथी सिख पंजाब की स्थायी प्रभुता की मांग से रत्ती भर भी टस से मस नहीं हो रहे थे। इंदिरा गांधी को 1980 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। लोकसभा के 529 सीटों में कांग्रेस को 351 सीटें मिली। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को गृह मंत्री बनाया। पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ा और इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब में हार के बाद अकाली दल अपने पुराने मुद्दे पर चली गई, वो मुद्दा जिसे 1973 में अनंतपुर साहब रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें चंडीगढ़ और नदियों के पानी के बंटवारे पर एक तरफा मांगे की गई। अकालियों और दरबारा सिंह सरकार में तानातानी चल रही थी कि पंजाब की राजनीति भाषा और धर्म की चंगुल में फंस गई। जनगणना का दौर था और लोगों से उनके धर्म और भाषा पूछी जाती थी। इस दौर में अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर मुहिम चला दी, जिससे माहौल और खराब हो गया। हिंदी की मुहिम से कट्टर सिख नाराज हो गए, जिनमें भिंडरा वाले भी थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कैसे पहुंचा अपने अंजाम तक ऑपरेशन ब्लू स्टार।